फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है द क्वेश्चन सर। एडवांस में आप लोग को हैप्पी सरस्वती पूजा आज ही बोल देते हैं, ठीक है। आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को, ठीक है। इसमें हम लोग दो टेक्निक देख चुके थे, तीसरा टेक्निक आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति ने टेक्निक वन और टू नहीं देखे हैं वो कृपया हमारे पिछले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। टेक्निक वन उसमें बताए थे, टेक्निक टू बताए थे। उसमें बताए थे कि अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर इंक्रीज होता है एक्स वाई जेड पर्सन से तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा वो बताए थे, ठीक है। आज हम लोग टेक्निक थ्री लाए हैं। इसमें अगर आपको कह दे थ्री क्यूब्स ऑफ साइड्स एक्स वाई एंड जेड आर मेल्टेड इंटू बिगर क्यूब, देन its side will be cube root x cube plus y cube plus z cube। टेक्निक समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास तीन क्यूब है, छोटा छोटा सा क्यूब है, ठीक है, मेटल क्यूब है, आपके पास तीन छोटे छोटे क्यूब है, वन टू थ्री, तीन क्यूब है। इसका साइड बोल रहा है x, इसका साइड बोल रहा है y, इसका साइड बोल रहा है z। क्या बोल रहा है? साइड है। फर्स्ट क्यूब का साइड x है, सेकेंड क्यूब का साइड y है, थर्ड क्यूब का साइड z है। इन तीनों को मेल्ट करके एक बहुत बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस बड़े क्यूब का x निकालना है, हमने साइड निकालना है, हमको साइड निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ये टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। फिगर को हम रब कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर दे दें कि थ्री क्यूब्स ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर मेल्टेड इनटू बिगर क्यूब देन इट्स साइड विल बी इसका। अब यहां पर देखिए x का मान हो गया 30 सेंटीमीटर, y का मान हो गया 40 सेंटीमीटर और z का मान हो गया 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बिगर हम लिखेंगे बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट, क्यूब रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इससे हम आसानी से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 30 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 30 प्लस क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस क्यूब रूट ऑफ 50, ये क्यूब रूट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर 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 क्यूब सॉरी स्क्वायर। यहां पे आप देखिए इसको हम लिखेंगे 30 का क्यूब क्या होता है, 27000 मैंने 27000 प्लस उसी तरह इसको 64000 प्लस इसको लिखेंगे 125, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई थिंक 000 फिर उसके बाद 216
अब 216 किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है, 6 upon 0, ये हो गया हमारा साइड ऑफ बिगर क्यूब। बात समझ में आई, नहीं आई होगी आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके आप उतार लीजिए टेक्निक को, समझ लीजिए और नेक्स्ट टेक्निक पर जाते हैं, ठीक। चलिए टेक्निक 4 देखते हैं हम लोग। टेक्निक 4 में क्या है, अगर मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, इनर सिलेंडर और कोन दोनों, ठीक है, सिलेंडर और कोन दोनों में अगर हाइट एंड रेडियस बोथ चेंज बाय 8%, देन इट्स वॉल्यूम इज चेंज बाय 1 plus x by 100 का होल क्यूब माइनस 1 into 100%। बात आई समझ में, अगर कोई सिलेंडर हो या कोन हो, ठीक है, सिलेंडर क्या है कोन क्या है, हम डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा सिलेंडर, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, ये क्या है हाइट। और एक कोन ले लेते हैं, कोन में ये क्या है रेडियस है और ये क्या है हाइट, ठीक है। कहने का मतलब कि सिलेंडर में या कोन में हाइट एंड रेडियस बोथ चेंज बाय एक्स परसेंट, तो उसका वॉल्यूम कितने से चेंज होगा, तो एक्स प्लस सॉरी 1 plus x by 100 का होल क्यूब माइनस 1 into 100%, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम रब कर दें, इस पे क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इनर सिलेंडर, सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है ना, तुरंत बनेगा, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। इनर सिलेंडर और कोन, ठीक है, हाइट एंड रेडियस बोथ चेंज बाय 100%, मान लेते हैं कि 100% से चेंज हुआ, तो उसका वॉल्यूम कितने से चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम कितने से चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन है, अगर हेयर x का मान कितना हो गया 100, तो फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें क्या करेंगे 1 plus 100 by 100 का होल क्यूब माइनस 1 into 100%, ठीक है। ये 100 कैंसिल आउट, ये बच गया 1, तो 1 क्या हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 into 100%, ये अब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 minus 1 into 100%, ये हो गया 700 कितना आ गया 700%, इतना से क्या हो गया वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि x परसेंट से चेंज हो रहा, इतना से वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। टेक्निक 5 पे हम लोग चलते हैं, इसको रब करते हैं, फास्ट करके आप लिख सकते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए टेक्निक 5 पे आते हैं हम। टेक्निक 5 में अगर इनर सिलेंडर इस समय लिखते हैं इसको इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर और एजेस एज ऑफ अ क्यूब और रेडियस
there are change by x percent, ठीक है, and height remains unchanged, unchanged, then its volume is changed by 2x plus x square by 100, ठीक है, इतना परसेंट से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज या चेंज होगा। अगर कहा जा रहा है सिलेंडर का रेडियस, क्यूब का एज, स्फीयर का रेडियस अगर चेंज होता है कितना से, x परसेंट से, और उसका हाइट में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना से चेंज हो जाएगा, 2x plus x square by 100%, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिलेंडर का रेडियस 10% से इंक्रीज किया, सिलेंडर का रेडियस 10% से इंक्रीज किया, है ना, माने रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाय 100, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20, और ये 10 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसके, हम 100 बाय 100, इतना परसेंट, इसको हम काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, बहुत बच्चा क्या करेगा 20% लिख देगा, 20% नहीं हुआ, यहाँ प्लस साइन है, इनटू नहीं है कि आप 20 लिखेगा, इसको हम लोग लिखते हैं 21%। ये क्वेश्चन हुआ। अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 4%, है ना, इसके सरफेस एरिया में कितना बदलाव हुआ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2x plus x square by 100 का होल स्क्वायर, तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, 2 × 4 plus 4 का स्क्वायर बाय 100%, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 plus 16 by 100%, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 8.16%, this will our change in surface area of sphere, ये sphere के लिए, ठीक है, कब, जब sphere का radius में बदलाव आएगा, ठीक है, कैसा लगा बच्चों लोग हमारे चैनल, ठीक है, यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया जा रहा है, ट्रिकी सवाल दिया जा रहा है, इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपको नेट पर अवेलेबल है, उससे निकालिए, और किसी भी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।